नमस्कार। आर चांडा क्लासेज जोधपुर में सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत। परमपिता ईश्वर से दुआ करता हूँ आपकी नेक ख्वाहिशों को भगवान पूरा करे। आर चांडा क्लासेज सितंबर 97 से कंटिन्यू जोधपुर में चल रहा है। 25 साल हो चुके हैं हमारा एक्सपीरियंस है। वैकेंसी आई हुई है संगणक की और निकट भविष्य में आ जाएगी एएसओ की भी। परमपिता ईश्वर की कृपा से हम कसम के लिए कराते हैं और यही रीज़न है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। पिछली बार आरपीएससी का जो जूनियर अकाउंट एग्ज़ाम हुआ, आउट ऑफ 200 ऑफलाइन बैच में हमारे सेलेक्टेड 23 और उसमें से 11 बच्चों की पोस्टिंग जोधपुर शहर में ही है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में भी 54 बच्चे थे लेक्चर, उसको लेक्चर के लिए, उसमें भी सिलेक्शन हुआ 11 बच्चों का। एएसओ संगणक जो कि पिछली वैकेंसी आई उसमें बच्चे ऑफलाइन में थे हमारे 15 और सिलेक्शन हुआ 6 बच्चों का। अब हम जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे वीडियो के द्वारा वो है संगणक। संगणक में आपके सिलेबस का दो पार्ट है। पहला पार्ट है 30 मार्क्स का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का और जो सेकंड पार्ट है वो 70 मार्क्स का है जिसमें 3 सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र इकोनॉमी एंड गणित मैथ्स। हम जो वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको बताऊंगा सांख्यिकी के संबंध में। कंटिन्यूस वीडियो आएंगी YouTube पे। हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, मैं जानता हूँ कि आपके सांख्यिकी का जो पोर्शन है या आपका जो सिलेबस का पोर्शन है उसे 30 मार्क्स पहले जीके के हैं और सेकेंड 70 मार्क्स हैं स्टेट्स मैथ्स एंड इको के। 70 नंबर के जो 70 जो क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पार्ट में, तो पुराने पेपर के आधार पर अपना अनुभव कहता है कि 70 में से 46 से लेके 50 या 52 तक क्वेश्चन स्टेट्स का आएंगे, सांख्यिकी का आएंगे और हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सांख्यिकी का सिलेबस में जान दो आप लोग पढ़ चुके हो। आपका पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसके बाद अलग अलग चैप्टर है, उसमें कोरिलेशन सहसंबंध भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी है, इंडेक्स नंबर भी है, टाइम सीरीज भी है, स्टेटिकल डाटा के भी है, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन भी है, डायग्राम भी है। ये सब होते हुए भी मैं पहला चैप्टर जो आपको कराऊंगा वो है श्रेणी या सीरीज। अब आपके मन में आएगा कि पढ़ाई हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करें तो बेहतर रहेगा, बिल्कुल। श्रेणियाँ या सीरीज शब्द आपके सिलेबस लिखा हुआ नहीं है परंतु ये आपके कोर्स में है, उसका रीजन है। श्रेणियाँ फंडामेंटल है स्टैटिक्स में, मैंने खुद ने कई ऐप देखे हैं, ये चैप्टर नहीं करवाया जा रहा है, उसका अर्थ ये नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है। सीरीज या श्रेणियाँ क्या हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 वीडियो में आपको यही बताऊंगा, उसका रीजन है। अकाउंटेंसी नाम के सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है एंट्री एंड लेजर, पर तुम लोग ये जानते हो कि हर चैप्टर के आगे लिखा हुआ नहीं होता है, जैसे कंपनी अकाउंट तो ये लिखा हुआ नहीं होगा कि जन एंड लेजर पार्टनरशिप, वाई लिखा हुआ नहीं होगा जन एंड लेजर दी सेम। आप मीन का या हार्मोनिक मीन भारत माध्य का या ज्योमेट्रिक मीन गुणांतर माध्य का या मीडियन मध्य का बहुलक मोड टाइम सीरीज काल श्रेणी कोरिलेशन सहसंबंध इंडेक्स नंबर सूचकांक मिश्र जो भी चैप्टर्स न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, जब आप उसे सॉल्व करेंगे, यहां तक कि जब ग्राफ बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको संगणक में कौन सी टाइप का पूछा है। सॉल्व ऑब्जेक्टिव है पर आप क्वेश्चन को पहचानोगे कि क्वेश्चन कौन सी टाइप का है तो आप आंसर दे पाओगे। जब आपको सीरीज वाला पॉइंट ही क्लियर नहीं है तो आप अपने अंदाज से फॉर्मूला अप्लाई करोगे और अंदाज का अर्थ ये होता है क्वेश्चन सही भी हो जाए और नहीं भी। इसलिए हम पढ़ेंगे साइंटिफिक वे से। हम पहले पढ़ेंगे श्रेणियाँ क्या होती है, श्रेणियों की पहचान कैसे होती है, श्रेणियों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सीरीज क्रिएट कैसे होती है, इसका फॉर्मेट कैसे पहचाना जाता है और किस फॉर्मेट का कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं।
हम सिलेबस को पूरा कवर करेंगे, एक एक वीडियो हम बताएंगे, एक एक चीज को हम बताएंगे। मैं यहां पे लिखूंगा, ऐसा नहीं कि टाइप किया सामने आके, नहीं, मैं लिखूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं थ्योरी भी आपको सामने बोलूंगा, इंपॉर्टेंट मैं यहां लिखूंगा भी सही, ए टेन जेवरी चीज आपको लगना चाहिए वीडियो देखने के बाद कि हमने जो कुछ पढ़ा वो टाइम वेस्टेज नहीं था, बल्कि हमारे लिए टाइम यूजफुल था। नेक्स्ट जो है हमारा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये आर चंडा क्लासेज विजयलक्ष्मी चांडा द्वारा संचालित की जा रही है, मैं जे पी चांडा, और यहाँ पर सितंबर 96 हम क्लास चालू, कॉमर्स बैकग्राउंड प्लस कंप्यूटर क्लासेज कंटिन्यू है। मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ, ये भगवान की असीम कृपा है कि 400 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहाँ से बन चुके हैं। जूनियर अकाउंटेंट हमने पिछले बैच लगाया था, 200 में से 23 का सिलेक्शन था, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेक्शन, संगणक के सिलेक्शन, एएसओ के सिलेक्शन, और हम आपके सामने ऑनलाइन है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, मेहनत आपकी होगी, गाइडेंस हमारा होगा, बाकी सिलेक्शन ईश्वर तय करेगा, आपकी सभी नेक ख्वाहिशों को पूरा करें मैं यही दुआ करूँगा।